क्या कहूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ, अपना दुख सुनाओ किसी को, सुनाऊंगा किसी को। चलो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान। तो यार अगले 3 रात और 4 दिनों के लिए हमारा लोकेशन ये होने वाला है। ये मोटी नहीं है, बस लगती है। लगती हो। ए हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है 6ठा दिन हमारे कैंप का और देख सकते हैं आप सारे रुक्स एकदम पैक हैं, फुली पैक हैं। आज मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, हमारी लगेज सब इसमें पैक कर दिया हमने, क्योंकि आज हम जा रहे हैं तेखला और वहीं रहेंगे अगले तीन रात तक। और आज भी अपन लोग 6:40 में मूव कर गए हैं। देखिए सब अंधेरा अंधेरा। भाई साहब तीसरे दिन सल्यूट मारेंगे हमारे पीआरडी जवान। चलो सल्यूट मारेगा जवान, सल्यूट मार। सर जय हिंद। ये सर 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 ये देख सकते हैं आज पूरा लगेज भरा हुआ है और इसमें जितनी कैपेसिटी की बैग की है फुल हो गई है। बहुत खराब आज, पहली बार इतना ऐसा ही पूरा बैग भरा हुआ है, उसके हाथ एक और बैग जुड़ा हुआ है सामान के लिए। अच्छा आज अपना पर्सनल लगेज भी है, जो यहाँ से सामान लेना था वो भी है, 95 kg का बैग पूरा पैक है। थोड़ा सा हाथ खराब हो गई, मजा आ रहा है, इतना रगड़ा उतना तगड़ा तगड़ा। आज आखिरी दिन का रेस्ट चल रहा है यहाँ पे और उसके बाद 3 दिन ऊपर रेस्ट करेंगे और उसके बाद नीचे। तो यार आज अपने साथ हैं गांव के एक प्रसिद्ध कलाकार उभरते हुए सितारे जितेंद्र जी, जो हैं पीआरडी जवान। अब जितेंद्र जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं कमोला से बिलोंग करता हूँ और बाकी आप जानते ही हैं भाई साहब। क्या बताएं भाई साहब, बहुत बहुत सुरीला गाना गाते हैं भाई साहब। गाइस देखिए ये मोटी नहीं है, बस लगती बस है। अरे हम भी लो यार। हेलो हेलो ओ यहाँ पे दिखा, सब लोग लगे हैं यार। हाँ हाँ भाई साहब तुमने दिखा दो। हाँ ओ चेहरा दिखा दो, चिल पिल ये हमारे चिल ब्रो है, चिल ब्रो देख रहे हो। और आज देखो बैग पूरा पैक है, मतलब इस बैग का एक भी कोना खाली नहीं होगा। आज देखो पूरा फुल हो रहा है, स्लीपिंग बैग, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक होंगे जो हमारे कपड़े हैं पर्सनल यूज़ का, फिर इसमें जो टेक्निकल सामान जो मैंने दे रखा है ऊपर, लास्ट में ऊपर हेलमेट, मैट्रेस साइड में, हाँ वाटर बोतल, और इधर साइड होगी हमारी मिट्टू खाने वाला बर्तन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसमें, भूल गया मैं, मैस्टिंग मैस्टिंग चले ऐसे ऐसे नाम में भूल जाता हूँ कभी। ये होना जरूरी है, कितनी भी चढ़ाई चढ़ लो, कितनी बॉडी गर्म कर लो, लास्ट में एक्सरसाइज होनी होनी हमारी। देखो तो यार आज का भी ब्रेकफास्ट हो गया, देखो सब लोग का ब्रेकफास्ट हो गया। अब जाते हैं थोड़ा अपने मैसिन वैसिन धो आगे, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं टेंट पिचिंग, वो दिखाऊंगा आप लोग टेंट पिचिंग बनने के लिए। एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है ना, टेंट पिचिंग की क्लास चल रही है। सबसे ऊपर का सेक्शन होगा, ठीक है ना, ये आपने यहाँ देखा होगा, सबसे नीचे ये देखा होगा आपने, है ना, इसको क्या करना है, सबसे आपने नीचे तरफ लगाना है और ये बीच वाली सेक्शन है, ठीक है, ये वाली, और इसको यहाँ डाल दिया। यार आज सारे लोग को टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टेंट एरिया, और अपना टेंट खुद लगाना है। और ये ले जा रहा हूँ मैं गाड़ो यंत्र, ये है सारे सारे लोग अपने अपने टेंट सेटअप कर रहे हैं और हमारा टेंट ये रहा, ये हम लगाएंगे टेंट यहाँ, यहाँ पर गए। मशक्कतों के बाद टेंट लग पाया हमारा, 3-4 बार खोला, 3-4 बार लगाया, गाली खाई, सबने अपना दिमाग लगाया, और देखो
ऐसा कुछ लेआउट है इसके अंदर का। हमारे भाई साहब लगे हुए हैं काम में, लेकिन यह है कि ये जो मैट है इसकी बड़ी अच्छी मैट है, मतलब नीचे जो भी ठंडा होगा पूरा कवर कर लेगी। लेकिन उधर सारे को बड़े गड्ढे हैं, ये समस्या है। अपना बेड है ये वाला। तो यार यहाँ पे हमें सर लोग सिखा रहे थे फिश रेस्क्यू टेक्निक। किसी रॉक के ऊपर कभी भी खड़े होते ठीक है, तो उस टाइम पे आप एंकर ढोने बहुत जरूरी है। सेल्फ एंकर आपका एक ना एक एंकर लगाना चाहिए, मेन रोप आपसे जुड़ा हुआ है, या फिर अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद को सेव करना है, तब जाके दूसरे की सेफ्टी देखना है ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बिल्कुल सही तरीके से उनको धीरे धीरे नीचे उतारना है, चोट नहीं लगना चाहिए कहीं, उनको पहले ही चोट लगा हुआ है फिर को और ज्यादा उसको क्या नहीं करना है और ज्यादा चोट लगाना है नहीं लगना चाहिए ना, तो उनको धीरे धीरे आप उतारेंगे एक टेक्निक के साथ आराम से धीरे धीरे। अभी संजीव सर और प्रभात सर आपको डेमो दे रहे हैं ना, उन्होंने जैसे ही सीटी बजाया मतलब थोड़ा उनको क्या करेंगे छोड़ेंगे, इनके विस्लिंग पे ही आपने रोप को धीरे धीरे छोड़ना है, और जैसे ही जोर से सीटी बजती है तेज बजती है तो क्या हो गया रुक जाइए, ये उन्होंने रुकने को बोला है ठीक है। वो अपना पोजीशन सही करेंगे उसके बाद धीरे धीरे डाउन, उनके ऊपर वेट नहीं है अभी, बिल्कुल वजन नहीं है उनका ठीक है, थोड़ा सा बस सपोर्ट दिया हुआ उन्होंने, पकड़ा हुआ है उनको कि वो कहीं दाएं बाएं ना जाए, दाएं बाएं अगर जाते हैं रोप अगर पेंडुलम बनती है तो वो उसको कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो अपने पाँव से उनको मैनेज करेंगे है ना, बैलेंस सही करेंगे अपना। बॉडी पीछे होना ताकत ठीक है, जो रेस्क्यूअर है उसने क्योंकि उसको लेटना पड़ता है पीछे की तरफ, इससे पीछे न जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया उसका शोल्डर से और अटैच का किया हुआ है ताकि उनकी बॉडी बिल्कुल बीच में स्थिर रहे ठीक है। धोते जाओ धोते जाओ अरे धोते जाओ धोते जाओ तो यार अगले 3 रात और 4 दिनों के लिए हमारा लोकेशन ये होने वाला है, और जो फर्स्ट वाला दिख रहा है यहाँ ये वाला ये है अपना टेंट, बाकी अलग अलग ग्रुप वाइज बटे हुए हैं, हर टेंट में 10 बंदे हैं। ये है हमारा वॉशिंग एरिया, प्लेट्स और पानी भी ले सकते हैं यहाँ से, और आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। देखो 2 टेंट ऊपर लगे हुए हैं, मतलब 160 स्टूडेंट्स हैं, मतलब और यहाँ ये आसिफ भाई अपने टेंट में घुसेंगे, पहले जूते खोलने पड़ेंगे इनको, लेकिन ये देखो छपरी बॉयज बैठे हैं, एक ही है छपरी बॉय, बाकी तो अच्छे लड़के हैं, समझ गए हो गए वहाँ की स्मेल बता रही है तारीफ अच्छा लड़का। हाँ यार सबसे पहले यही बंदा चढ़ा था, पूरी क्लाइंबिंग इसी बंदे ने करी, अपने वीडियो देना तो मेरे को। और यहाँ पे हमारे सलोक का टेंट और ये सिंगल टेंट नहीं, इनके प्रश्न होंगे
और नीचे हैं ये तीन गर्ल्स के स्टार्टिंग वाले, वो बाकी उसके बाद लड़कों के टेंट अंदर। और ये हमारा मैसी एरिया, पहले दिन भी बताया था मैंने। और यहाँ से रास्ता जाता है हमारा ट्रेनिंग एरिया को, और यहाँ पे आगे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। और ये भैया हमारे ये कैप्टन येलो वाले रवि सर, यूट्यूब है वीडियो बहुत जरूरी है। अरे यार वो खुद ही नहीं जा पा रहा, क्या लेके जाएगा विक्टिम को यार। अरे यार वो डर के मारो खुद ही नहीं जा पा रहा है, ऐसे तो रेस्क्यू रहे। अरे यार वो कौन डाल रहा है, खींचो पहले रेस्क्यूर को। यार भाई साहब देखो चार्जर की मारामार चल रही है, क्या क्या कहना है आपका। मैं क्या कहूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ, अपना दुख सुनाओ किसी को सुनाऊंगा किसी को। चलो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान आपको जल्दी ही चार्जर प्रोवाइड करे और इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी से। तो यार भाई साहब ये चार्जिंग के लिए बड़ी समस्या होगी, यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ रहा है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। ये देखो यहाँ भाई साहब सेल्फ एंकर टांग के चल रहे हैं चार्ज करने के लिए। तो ठीक है यार यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए। तो आज मिलिए हमारे बड़े भाई से, वेलकम सर, बताइए अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम है नीरज मेहता। हाँ जी हाँ जी, अरे चमक रहे हो। मेरा नाम नीरज मेहता है, अल्मोड़ा से रहते हैं। चलो ठीक है नीरज भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप तो बहुत अच्छे। आई होप टू सी यू सून, वेरी वेरी सून, वेरी सून। और यार हम लोग सारे लोग यहाँ पे देखो, सारे लोग मस्त टेंट में घुसे हुए, 10 बंदे हम लोग। देखो यहाँ भी देखो मेरे पीछे, ये देखो चिल, तो मगन है, मगन है भाई साहब। तो ठीक है यार आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आज छठा दिन है कैंप का, फिर मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।